हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए अभी आप लोग को कुछ नया दिखाते हैं। ये रहा मेरा मिट्ठू, और मिट्ठू देखिए कैसे देख रहा है कैमरा की तरफ, और ये बोलता भी है मिट्ठू मिट्ठू करके। तो चलिए अब आप लोग को हम बाहर दिखाते हैं। आज का मौसम भी कितना अच्छा है। अभी हो रहा है 7:30 होने वाला है, 6:30 हो रहा है। और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मौसम लगता है सुबह सुबह में। और ये मेरा रहा साग का, साग थोड़ी दूर में जो जगह खाली था सामने, वहाँ कर दिए थे, तो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। अब काटने वाला भी हो गया, आज नहीं कल इसको काटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है, सूरज निकल चुका है और यहाँ पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन है। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं अपना बैंगन का गाछ। और इसमें अब खाने वाला नहीं है मौसम, लेकिन एक इसमें छोड़ दिए थे जो बहुत बड़ा हो गया है वो बीज के लिए, तो इसका बीज बनेगा। इसको छोड़ देंगे ऐसे ही करके तो सूख जाएगा तो इसका फिर बीज। और फिर यहाँ हम लोग का फूल का गाछ है, और इसमें देख सकते एक फूल भी निकला हुआ है छोटा सा। बहुत छोटा पेड़ था और फूल निकल गया पानी पड़ने से, और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं फुद्दी, हमारे घर में फुद्दी बहुत है, 100 से ज़्यादा होगा, और पूरा यहाँ खाना खाता है भर दिन। यहाँ पे जितना सारा बोरा रखा हुआ है सब में खाता है। और चलिए आप लोग देखिए कितना सारा छेद कर दिया है, एकदम ऐसे ऐसे करके हर एक जगह छेद बना दिया है, सब यहीं पर आ करके खाता है सब चीज़। चावल का बोरा है तो इसमें से चावल निकाल निकाल के खाता है। धान भी है बगल में तो धान भी खाता है। यहाँ फिर से आप देखिए मिट्ठू को, इसको चाहिए खाना। सुबह सुबह एकदम बोलना स्टार्ट कर देता है, और फ़ोन को देखते ही तो और भी ज़्यादा बोलता है बहुत। तो अभी हम बनाएंगे खाना, चलिए। और तो अभी बन रहा है इधर चाय, पापा बोले चाय बनाने के लिए, कोई आए हैं गेस्ट तो उनके लिए चाय बना रहे हैं। और इधर सब्जी चावल हो गया है, आज कटहल का सब्जी बना रहे हैं हम लोग, और चाय फिर सबको देंगे। उसके बाद थोड़ा सा होगा तो हम लोग भी पी लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ही बनाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चाय, एक साइड चाय बन रहा है एक साइड सब्जी बन रहा है, चावल हो गया है। पता नहीं सब्जी कैसा बनेगा, मेहनत से बनाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मेहनत से बनाए, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। यहाँ देख सकते सबको चाय दे दिए हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच गया तो हम और मम्मी ले लिए चाय, और अच्छा सब पी लेंगे। अब ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं, लेकिन अगर बच गया तो फेंकने से अच्छा था पी लेते। और ये जो आप लोग को फुद्दी के बारे में दिखाए थे, देखिए इसको थोड़ा भी डर नहीं होता। यहाँ सामने रखा हुआ है चावल, इसमें बैठ करके चावल खा रहा है, ऐसे ही हमेशा खाते रहता है। पूरा घर गंदा करके रखता है, सुबह शाम झाड़ू लगता है तो भी गंदा रहता है, लेकिन ये लोग भी कहाँ जाएगा, घर में ही हम